दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसमें RBC हीमोग्लोबिन के परिवहन का कार्य करती है, WBC शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है, और दोस्तों प्लेटलेट्स एक सेल का पार्ट होता है जिसका बॉडी क्लोटिंग के अंदर यूज करती है। दोस्तों सभी ब्लड सेल का निर्माण बोन मैरो में होता है। हड्डियों में मौजूद बोन मैरो की स्पंजी सेल ब्लड का निर्माण करती है। इसके प्रभावित होने के कारण कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और ब्लड बनना बंद हो जाता है। बोन मैरो में चोट लगने पर सेल डैमेज हो जाती है और ब्लड फॉर्मेशन बाधित होता है। दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि ब्लड का निर्माण जो होता है बोन मैरो के अंदर होता है, किंतु ब्लड बनता कैसे है ये हम आगे समझेंगे। दोस्तों अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो हड्डियों में भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है। वयस्कों में बड़ी हड्डियों जैसे फीमर आदि में मज्जा जो होती है ब्लड सेल का निर्माण करती है। इसमें कुल शरीर भाग का 4% समाहित रहता है। बोन मैरो एक गुदे के समान मृदु ऊतक होता है जो सभी अस्थियों के स्पंजी भागों के अवकाशों में लंबी अस्थियों की मध्य नलिका के गुहा में और बड़े आकार के हेवर्सी नलिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों मज्जा ब्लड सेल का निर्माण करने वाली स्टेम सेल से भरी हुई होती है, जो कि बाद में शरीर की आवश्यकता अनुसार RBC, WBC और प्लेटलेट्स में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात से स्पष्ट हो गया है कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो स्टेम सेल से होता है, और दोस्तों बोन मैरो लगातार स्टेम सेल का निर्माण करती रहती है। दोस्तों मज्जा दो प्रकार की, लाल मज्जा और पीली मज्जा होती है। येलो बोन मैरो तांतव ऊतक का निर्माण करती है, जिसमें ब्लड वेसल्स और सेल्स होती है। इसमें वसा कोशिकाएं भी पाई जाती है। और दोस्तों रेड बोन मैरो का आधार कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें बैक्टीरियोफेज सेल, रक्त कणिकाएं तथा लिम्फ नोड पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम स्टेम सेल की बात करें तो इसके अंदर शरीर के किसी भी अंग को सेल के रूप में निर्मित करने की क्षमता होती है। इसके अलावा यह किसी भी सेल में बदल सकता है, अर्थात दोस्तों स्टेम सेल के अंदर रूप परिवर्तन करने की एक अजीब सी क्षमता होती है। दोस्तों स्टेम सेल का यूज बॉडी की किसी भी डैमेज सेल की मरम्मत करने में किया जाता है। बोन मैरो से प्राप्त ये सेल लाइफ टाइम ब्लड का निर्माण करती है, और कैंसर, हार्ट की डैमेज सेल आदि रोगों में इसका प्रत्यारोपण कर पूरे ब्लड सर्कुलेशन को पुनर्संचित किया जाता है। ऐसी सेल को ही हम स्टेम सेल कहते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से हम देखें तो बोन मैरो के अंदर उपस्थित स्टेम सेल ब्लड का निर्माण भी करती है और शरीर के अंदर डैमेज हुई सेल को रिकवर करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। दोस्तों स्टेम सेल का निर्माण विटामिन सी से होता है, अतः अधिक से अधिक विटामिन सी के फलों जैसे नींबू, आम आदि खट्टे फलों का सेवन करें। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।